दोस्तों हमारे साथ हैं, आप जिसको देख रहे हैं ये एक बिल्कुल नए यूट्यूबर हैं। जैसे कि आप लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो बिल्कुल नए यूट्यूबर होंगे। तो आज का वीडियो नए यूट्यूबर के नाम है, क्योंकि नए यूट्यूबर जो होते हैं वो अपना चैनल बना लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, लेकिन वीडियो जब अपलोड करने की बारी आती है तो वीडियो को गलत तरीके से अपलोड करते हैं। और गलत तरीके से अपलोड करने का नतीजा ये होता है कि वो बहुत अच्छा अच्छा वीडियो बना लेते हैं लेकिन उनका वीडियो वायरल नहीं जाता है। क्योंकि आपको भी पता है कि यूट्यूब कोई इंसान नहीं है कि पकड़कर किसी का वीडियो वायरल कर देगा। यूट्यूब एक मशीन है और मशीन क्या देखती है कि जो भी चीजें हमारे प्लेटफॉर्म पर हो रही है वो सही हो रही है फिर गलत हो रही है। जो चीजें सही तरीके से होंगी उसको वो वायरल करेगा, जैसे उसको ग्रो करना है उस तरीके से चैनल ग्रो करेगा, वीडियो वायरल करेगा। लेकिन अगर आप उसको गलत तरीके से ही अपलोड करोगे तो कितना भी अच्छा वीडियो होगा वो आगे भेजेगा ही नहीं, और जब भेजेगा नहीं तो आपका वीडियो वायरल कैसे जाएगा। तो आज मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं, जैसे एक नए यूट्यूबर है मैं इनसे पूछूंगा कि ये वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, और मैं 100% बता दूं इनका तरीका गलत होगा अपलोड करने का, और सेम तरीका आपका भी होगा। जैसे आप अपलोड करते होंगे वीडियो सेम इनके तरीके से ही करते होंगे, और ये तरीका गलत है। क्यों गलत है वो बताऊंगा, और सही तरीका क्या है अपलोड करने का वो बताऊंगा, क्योंकि मैंने इनसे पहले भी पूछ रखा है कि कैसे वीडियो अपलोड करते हो, तो इन्होंने जब दिखाया तो मुझे वो 100% गलत लगा। मैंने सोचा इसको वीडियो फॉर्म में बनाता हूं जिससे आपको लाइव यहां पर सीखने को मिले कि गलत तरीका क्या होता है वीडियो अपलोड करने का जो आज तक आप करते हो, और सही तरीका क्या होता है जिससे, जैसे मैं करता हूं और बड़े यूट्यूबर करते हैं, जिससे उनके चैनल की ग्रोथ हो चुकी है और आपकी भी होगी। बस वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए मैं यहां पर इसे लाइव पूछता हूं। चलिए मैं यहां पर यूट्यूब ओपन करता हूं, ठीक है? ठीक है। हाँ, तो मैं यहां पर यूट्यूब ओपन करता हूं और यहां आपको एक वीडियो लेना है, उस वीडियो को अपलोड करके दिखाना है जैसे अपलोड करते हो खुद, सेम वैसे ही अपलोड करना, ठीक है? ठीक है। चलो अब यहां पर यूट्यूब पर आ चुका हूं, अब चलो यूट्यूब पर बताओ कैसे अपलोड करोगे। पहले हम आ जाते हैं यूट्यूब पर, ये अपलोड करने का जो तरीका होता है इसको टच करते हैं। अच्छा, प्लस वाला। अब बताओ क्या टच करते हो? फिर उसके बाद अपलोड अ वीडियो करते हैं। अच्छा, चलो ले लो। चलो यहाँ पर आ गया है, अब चलो एक यहाँ पर ये वाला, जैसे ये रैंडम एक वीडियो उठा लो, मैंने वैसे ही वीडियो ले लिए। हाँ, ये वीडियो ले लिए। अब क्या करते हो? नेक्स्ट करते हो? नेक्स्ट कर देते हैं इस वीडियो। अच्छा, नेक्स्ट कर देते हो। हाँ, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर क्या करते हो? अब जैसे यहाँ पर क्या करते हो, इसको मैं ऊपर कर देता हूं। जैसे ये टाइटल है ना, जो जिस टाइप का वीडियो है उसी टाइटल लिख देते हैं। जैसे मतलब जिसके ऊपर वीडियो बनाया वही टाइटल लिख देते हो। मान चलो चलो ABCD लिख दो कोई भी, ऐसे चलो ABCD लिख देते हैं, ठीक है? ऐसे लिख दिए। चलो उसके बाद, इसके बाद क्या करते हो? उसके बाद कमेंट को अलाउ कर देते हैं। अच्छा, हाँ, अलाउ करने के बाद हम चले जाते हैं यहाँ पर वीडियो अपलोड कर देते हैं। यहाँ से वीडियो सिंपली अपलोड, ये पब्लिक रहता है या लिस्टेड रहता है? अनलिस्टेड करके कर देते हैं। अच्छा, इसको अनलिस्टेड कर देते हो यहाँ से, और इसके बाद क्या करोगे? यहाँ से नेक्स्ट कर देते, नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ से। अब यस या फिर नो क्या करते हो? जैसे वीडियो रह गया तो नो, इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, ये बच्चों के लिए नहीं है, तो हम इट्स नॉट लगाएंगे। अच्छा, अगर बच्चों के लिए नहीं है तो नो वाला करते हो, बच्चों के लिए है तो यस वाला करते हो। हाँ, और इसके बाद अपलोड वीडियो पर टच कर देते हो। अपलोोड वीडियो कर देते हैं। अच्छा, और इसके बाद अब आई बारी की टैग वैग कैसे लगाते हो, क्योंकि पता होगा वीडियो में टैग भी लगता है ना। हाँ, तो वीडियो में टैग कहाँ जाकर लगाते हो? YT स्टूडियो में जाकर लगा देते हैं। YT स्टूडियो में। चलो YT स्टूडियो में चलकर दिखाते हैं। अब जैसे यहाँ आ चुके हो YT स्टूडियो के अंदर, वीडियो अपलोड ही कर चुके हो। हाँ, ठीक। अब यहाँ पर क्या करते हो ये बताओ? सबसे पहले हम इस वीडियो को क्लिक करेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो पेन वाला आइकन छपा है उस पर टच कर देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान से देखिएगा आप लोग क्या ये कर रहे हैं, और ऐसे सेम आप लोग भी करते होंगे। फिर क्या करते हो? फिर यहाँ पर मोर ऑप्शन में जाकर टैग हम लिख देते हैं। टैग यहाँ पर जो लिखना है माय फर्स्ट ब्लॉग करके, मतलब जो भी, मतलब सब में माय फर्स्ट ब्लॉग लिखते हो कि जो वीडियो रहता है वो टैग डालते हो? जो वीडियो रहता है माय फर्स्ट ब्लॉग, जैसे मतलब जो जिस टाइप का वीडियो बनाते हो वही वही टैग यहाँ पर डाल देते हो। हाँ, ऐसे ऐसे करके, जैसे मान चलो चलो माय फर्स्ट ब्लॉग लिख कर एक टैग लिख दो। चलो माय फर्स्ट ब्लॉग लिख देते हैं। अच्छा, लिख दिए। अब मैं ऐसे करके, अच्छा, एक टैग बन गया। ऐसे ऐसे करके टैग भर देते हो? टैग भर देते हैं पूरा। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पर नीचे और कुछ करते हो यहाँ पर जो भी दिख रहा है कैटेगरी वगैरह? हाँ, कैटेगरी में जैसे पीपल ब्लॉग का है, ब्लॉग कैटेगरी कर देते हो, मतलब जिस टाइप का आपका चैनल रहता है वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हो। अच्छा, और यहाँ पर मैं बैक आता हूँ, और यहाँ बताओ डिस्क्रिप्शन में क्या लिखते हो? डिस्क्रिप्शन में जो टाइटल रहता है उसे कॉपी करेंगे और डिस्क्रिप्शन में जाकर पेस्ट कर देंगे। मतलब वही टाइटल पेस्ट कर देते हो डिस्क्रिप्शन में, और कुछ नहीं फिर लिखते हो? हाँ, वही एक दो हैशटैग हैशटैग लिखते हो? हैशटैग नहीं लिखते, कुछ नहीं लिखते। नहीं लिखते हो? नहीं, टाइटल वही कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं।
अब ध्यान से सुनिएगा, ये जैसे तुम वीडियो अपलोड करते हो ये तरीका 100% गलत है, और ऐसे आप लोग भी करते होंगे। क्या करते होंगे, सेम जाकर वहां पर YouTube के अंदर, जैसे इन्होंने गए, यहां इन्होंने गए, इसके बाद वीडियो सेलेक्ट किया, अपलोड मार दिया, टाइटल डाल दिया, यहां पर टाइटल को डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया, टैग डाल दिया, वीडियो सिंपली अपलोड कर दिया, ऐसे अपलोड कर देते हो, ऐसे अपलोड कर देते और सोचते हो कि फिर YouTube वायरल कर दे। हाँ, YouTube ऐसे सेम आप लोग भी सोचते होंगे कि हमारा भी YouTube ऐसे वायरल कर देगा, वीडियो तो मैंने डाल ही दिया, बहुत अच्छा वीडियो बनाया और मैं डाल दूंगा, वायरल हो जाएगा। तो ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है, समझ गए, ये बिल्कुल सही गलत तरीका है। और आप लोग क्या ऐसे सेम तरीके से वीडियो अपलोड करते थे या किसी और तरीके से करते थे, कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं सही तरीका क्या है। मैं आपको लाइव सिखाने वाला हूं कि वीडियो अपलोड करने का क्या सही तरीका है। जैसे तुमको अब अपलोड करना है और सही तरीके से अपलोड करोगे तो चैनल ग्रो होगा, और ऐसे आप लोगों को भी सीखना है, इसीलिए बोला वीडियो लास्ट तक देखना। बहुत जेन्युइन चीज सिखाने वाला हूं, अपलोड करने का जो वीडियो का सही तरीका है वो सीख लो, इसके बाद कोई भी वीडियो कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके पहले कल के वीडियो पर जिन्होंने वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा था, वीडियो को लाइक किया था, अपना प्यारा सा कॉमेंट किया था, यहां पर मैंने रैंडम कॉमेंट पिकर पर उनका उठा लिया है, रैंडम चैनल, इनके चैनल को मैं यहां पर ले जाकर कम्युनिटी पोस्ट पर लगा दूंगा, जाकर इनको सपोर्ट कीजिए जिससे इनका चैनल ग्रो हो। और अगर आप भी अपना प्रमोशन कराना चाहते हो, क्या तुमको भी ऐसे प्रमोशन कराना है? जी सर, प्रमोशन कैसे कराएं अपने चैनल को? देखो, मैं यहां पर अपने चैनल पर नया तरीका लेकर आया हूं, डेली एक चैनल का प्रमोशन करता हूं कम्युनिटी पोस्ट पर लगाकर। अगर प्रमोशन कराना है तो क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, डेली जो वीडियो आए नोटिफिकेशन आने पर वीडियो को लास्ट तक देखना है, लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट करना है, नेक्स्ट प्रमोशन मैं कर देता हूं जिसका भी रैंडम चैनल उठाकर मुझे देता है यूट्यूब। समझ गए? हाँ, समझ गए। ऐसे ही प्रमोशन यहां पर इस चैनल पर चल रहा है। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं, वीडियो अपलोड करने का जो सही तरीका है, सारा कुछ मैं आपको मोबाइल फोन से A to Z एक नए यूट्यूबर को कैसे अपलोड करना चाहिए जिससे उसका वीडियो वायरल जाए, वो सारा कुछ चलो मैं समझा देता हूं, ठीक है। अब देखो, मैं तुमको यहां पर सिखाने वाला हूं कि क्या सही तरीका है वीडियो अपलोड करने का, साथ में आप लोग भी सीखते चलिएगा। यहां पर मैं गूगल क्रोम के अंदर आ चुका हूं, पता होगा गूगल क्रोम होता है। हाँ। इसमें मोबाइल के अंदर यहां पर आने के बाद यहां पर सर्च पे चले जाना, और सिंपली यहां पर क्या सर्च करना है, studio.youtube.com जो यहां पर दिख रहा है इसको सर्च करना है, ठीक है। studio.youtube.com सर्च करना है, इसको सिंपली सर्च कर लेना, ऐसे खुलकर आएगा। फिर यहां 3 डॉट पर चले जाना और डेस्कटॉप साइट लिखा है इस पर चले जाना, ठीक है, ठीक है। इस पर यहां पर चले जाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा चैनल यहां पर डेस्कटॉप साइट में ओपन होकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो ये देखो ओपन होकर आ गया यहां पर, ठीक। इसको ऐसे जूम कर लेना, थोड़ा जूम करके मैं बता रहा हूं आप लोगों के लिए। यहां पर देखो लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है, ये देखो यहां पर क्रिएट करके ऑप्शन लिखा गया है ना, क्रिएट करके लिखा गया है, देखो बगल में वीडियो छापा हुआ है, प्लस का आइकॉन है और इसके साथ ही लिखा गया है क्रिएट, ये दिख रहा है ना साफ साफ, क्रिएट ये ना, यहां पर इस पर जाना है, क्लिक करना है, अपलोड वीडियो लिखा गया है, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, अपलोड वीडियो पर टच कर लेना, ठीक है। यहां पर टच कर लोगे तो इसको मैं छोटा करता हूं, देखो सेलेक्ट फाइल करके आ चुका है, सेलेक्ट फाइल, इस पर सेलेक्ट, यहां पर आकर जाने हैं, इस पर क्लिक करोगे तो देखो फाइल्स करके आ गया, इस पर चले जाना और जो वीडियो बनकर तैयार है मोबाइल में उस वीडियो को जाकर सेलेक्ट कर लेना। अब जैसे मेरा ये अभी मोबाइल का ओपन हो रहा है, यहां पर जैसे जो वीडियो मेरे पास यहां पर बना हुआ है, जैसे देखो यहां पर ये वाला वीडियो यहां पर बना हुआ है, देखो ये वाला वीडियो है ना, यहां पर वीडियो दिख रहा है, जैसे मैंने यहां पर दिखा, यहां पर मैं रिसेंट अगर वीडियो में जाऊं, जैसे ये वीडियो मैंने लिया था, ये मैं क्या करूंगा, वीडियो यहां पर क्लिक कर लूंगा तो ये मेरा वीडियो देखो अपलोड होने लगा, ये अपने आप ऑटोमेटिक देख रहे हैं ना, अपलोड होने लगा, होने लगा ना अपलोड। अब क्या करना है ध्यान से सुनना, ये अब मेरा वीडियो अपलोड होने लगा है, इसको मैं ऐसे अपलोड होने देता हूं, ठीक है, ये मेरा अपलोड हो रहा है, लेकिन इसके साथ मुझे क्या करना है वो ध्यान से देखना। यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर देखो लिखा गया है टाइटल रिक्वायर्ड, लिखा गया है ना, डिटेल्स डालने का आ चुका है डिटेल्स, अब यही सारा खेल है, यहीं पर सारा का सारा डिटेल डालना है, ठीक है। अब टाइटल में क्या लिखोगे, जिसके ऊपर वीडियो है, मान के चलो तुम्हारा वीडियो है, हम लोगों का क्या टॉपिक चल रहा है, वीडियो अपलोड करने का सही तरीका, तो मान चलो यही तुम्हारा टॉपिक है, क्या करोगे, सिंपली यूट्यूब पर चले जाओ, सिंपली तुमको यूट्यूब पर चले जाना है, मैं यहां पर यूट्यूब पर चले जाता हूं, सिंपली यहां पर यूट्यूब पर चले जाना है, और यूट्यूब पर जाने के बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूं। यहां पर YouTube पर जाने के बाद जैसे YouTube आ चुका है, यहां वाला जो प्रोफाइल वाला आइकॉन है इस पर जाना, टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड कर देना, यहां प्रोफाइल में जाकर टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड कर देना, यहां टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड कर देना, ठीक है, कर दिए। इसके बाद सर्च में चले जाना, सर्च में चले जाना, वीडियो अपलोड करने का तरीका, यही हमारे वीडियो का टाइटल है,
इसके ऊपर ही वीडियो बनाना है। अब आपको जो भी टाइटल पर बनाना है, चाहे ब्लॉग बनाते हो, चाहे कुकिंग बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, मान के चलो खाने का बनाते हो कि आलू गोभी कैसे बनाए, तो यहां पर सर्च करके देख लेना कि यूट्यूब पर लोग सर्च क्या कर रहे हैं। जैसे वीडियो अपलोड करने का सही तरीका, मैं यहां पर जाऊंगा लिखूंगा वीडियो अपलोड करने का सही तरीका, मैंने यहां पर लिखा, सिंपली मैंने लिख लिया। अब देखो मैंने जैसे लिखा, यहां पर देखो पूरा का पूरा, यहां पर देखिए सजेशन में बहुत सारा यहां पर आ चुका है YouTube के अंदर। इसका मतलब है जो ये सजेशन में लिखकर ऑटोमेटिक आया, मैंने लिखा एक बार लेकिन लिखकर 8-10 आ गया, इसका मतलब है कि लोग यही लिखकर सर्च करते हैं यूट्यूब पर। जैसे मैं मान के बताता हूं, जैसे यहां पर तुमको बनाना है आलू गोभी की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी लिखा है यहां पर, सिंपली लिख दिया। यहां पर देखो आलू गोभी से रिलेटेड देखो कितनी चीजें सर्च में आ चुकी हैं, बहुत सारी ना। तो ऐसे ही सेम चीजें लोग लिखकर सर्च करते हैं, इसका मतलब यह है जो एक चीज तुमने लिखा इससे रिलेटेड ऐसे ही लोग लिखकर यहां पर सर्च करते हैं। तुमको क्या करना है, ऊपर जो सबसे लिखकर आ रहा है, दूसरे पर जो लिखकर आया, तीसरे पर जो लिखकर आ रहा है, ऊपर के दो टाइटल को तुमको कॉपी कर लेना है। ऊपर के दो टाइटल को, जैसे आलू गोभी की सब्जी कैसे बनती है, इसको मैं यहां पर लिखूंगा, ये देखो इसको मैं कॉपी कर लूंगा, यहां मैंने कॉपी कर लिया। और दूसरा देखो यहां पर आ गया है दूसरा और तीसरा, तो दूसरा नंबर पर भी जैसे देखो लिखकर आया शादी में आलू गोभी की सब्जी कैसे बनती है, दूसरा टाइटल। तो पहला मैंने कॉपी किया, इसको मैं क्या करूंगा यहां पर लाऊंगा, यहां टाइटल के अंदर मैं यहां पर इसको यहां जाकर पेस्ट कर दूंगा। देखो तुमको पता है कि 100 लेटर से ज्यादा लिख नहीं सकते टाइटल, तो क्या करोगे एक यहां पर खड़ी पाही लगा देना। यहां पर लगाने के बाद फिर से चले जाना YouTube के अंदर, ठीक है, YouTube के अंदर फिर से चले जाना और जैसे लिखो यहां पर देख रहे हो कि क्या लिखकर आई हुई है, आलू गोभी की सब्जी कैसे बनती है सूखी, ये करके आ गया है, इसको भी कॉपी कर लेना, यहां पर कॉपी कर लेना, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद यहां पर जाकर क्या करना, सिंपली यहां पर जाकर ये वाला पेस्ट कर देना, ठीक है। इसको पेस्ट कर दिए, 81 देखियो यहां पर नंबर 81 हो चुका है, यानी दो टाइटल यहां पर लिख देना ऐसे। ये टाइटल तुमने लिख दिया है, ये टाइटल लिखने के बाद यहां पर जाना और इसके जाने के बाद यहां पर सिंपली जाकर ये देखो जैसे जो टाइटल है इस पर जाना, इसको करना सिलेक्ट ऑल, ये टाइटल को सिलेक्ट ऑल करके कॉपी करना और डिस्क्रिप्शन में ले जाकर यहां पर पेस्ट कर देना, ठीक है। इतना काम पहले कर देना, इतना तुम भी करते थे लेकिन टाइटल ऐसे सेम नहीं लिखते होगे, टाइटल अपने मन से जो मन में आता होगा लिख देते होंगे, जिस टाइप के वीडियो रहते हैं, तो वो टाइटल आपको YouTube से लेना है। और YouTube से कैसे लोगे, जो आपको यहां पर सर्च करना है, सर्च में जो सजेशन में दिखता है YouTube पर, वही आपको लिखकर यहां पर टाइटल में लिख देना है। टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख दिए, अब ध्यान से समझना जो चीजें बताने वाला हूं, जैसे सेम बता रहा हूं ऐसे ही अपलोड करना है, यूट्यूब पर जाकर नहीं, यूट्यूब ऐप से अपलोड नहीं करना है, क्रोम पर जाकर यहां पर अपलोड करना है, कहां से, क्रोम पर जाकर यहां पर अपलोड करना है, ना कि यहां पर यूट्यूब पर आकर अपलोड करना है, यूट्यूब पर नहीं क्रोम पर, जैसे बताया। टाइटल डिस्क्रिप्शन हो गया, अब बारी आती है टैग की, कि टैग कैसे डालो। उसके पहले देखो यस इट इज मेड फॉर किड, नो इट इज नॉट मेड फॉर किड आ रहा है, ये पता है तुमको कि अगर बच्चों का कंटेंट है तो यस वाला सिलेक्ट कर लेना, बच्चों का कंटेंट नहीं है तो सिंपली नो वाला सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, नो वाला यहां पर सिलेक्ट कर लेना। इसको तुमको पता ही है इसमें क्या बताना है, ये आपको भी पता होगा। अब सिंपली क्या करना है, आपको नहीं पता तो एक बार समझ लो, बच्चों का कंटेंट बना रहे हो तो यस इट इज मेड फॉर किड सेलेक्ट कर लेना, बच्चों का कंटेंट अगर नहीं बना रहे हो तो नो इट इज नॉट मेड फॉर किड सेलेक्ट कर लेना, यही तरीका है। इसको करने के बाद यहां पर नीचे आना, अब टैग की बारी आती है, देखो टैग लगाने का आ चुका है। अब टैग क्या लगाओगे, टैग यहां पर ध्यान से सुनना, जो यहां पर टाइटल में दो टाइटल लिखे हो ना, एक लिखकर इसके बाद खड़ी पाई, इसके बाद दूसरा टाइटल लिखे हो, पहला जो टाइटल लिखे हो उसको क्या करोगे, यहां पर पहले टाइटल को यहां पर आकर ऐसे कॉपी कर लेना। जो पहला टाइटल है वो टैग में पहला टैग भी होना चाहिए, ये नहीं एक दूसरा टैग, जो पहला टाइटल है वही आपका पहला टैग होना चाहिए, समझ में आया। और इसके बाद टाइटल में कितना लिखे हो, दो टाइटल लिखे हो ना, तो इसके बाद आप क्या करोगे, दूसरा वाला यहां पर आकर इसको कॉपी कर लेना, ठीक है, ये दूसरा वाला मैं यहां पर कॉपी कर लिया, ठीक। अब दूसरा वाला कॉपी करने के बाद यहां पर आकर यहां पर दूसरा वाला पेस्ट कर लेना, ठीक। और इसके बाद यहां पर जैसे मैंने YouTube पर सर्च करके दिखाया था, सर्च करने पर क्या आया था, सजेशन में बहुत सारा आ गया था ना, जैसे आलू गोभी की सब्जी कैसे बनती है सूखी, आलू पराठा गोभी की सूखी सब्जी कैसे बनती है, ऐसे करके सजेशन बहुत सारा आ चुका था। इसका मतलब है कि लोग यही सारा कुछ लिखकर सर्च करते हैं, समझ में आया। तो ये सारा जब लिखकर सर्च करते हैं और तुम्हारा इसी से रिलेटेड वीडियो है तो टैग में लिखना क्या है कि जो लोग लिखकर सर्च करते हैं उसी को टैग बनाना है, ठीक है।
तो यहां पर जैसे तीसरे नंबर पर दिख रहा है, ये तीसरे नंबर पर, इसको कॉपी कर लेना है, यहां पर कॉपी करना और यहां पर जाने के बाद पेस्ट करना, ऐसे ऐसे करके जो सजेशन में यहां पर यूट्यूब में दिखता है उसी को यहां पर अपना टैग बना लेना, ठीक है। पेस्ट करके टैग बना लिया, ऐसे ऐसे करके जैसे 500 यहां पर कीवर्ड्स का बना सकते हो टैग, तो यहां पर 500 कीवर्ड्स का ऐसे ऐसे जो यूट्यूब का सजेशन में दिखता है उसको टैग बना लेना। बनाने के बाद अब नेक्स्ट काम करना है, यह होता है परफेक्ट एसईओ, ठीक है। बनाने के बाद इसको कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद अपना चले आना यहां पर, कहां चले आओगे, ये जो डिस्क्रिप्शन है यहां चले आना, और डिस्क्रिप्शन में आने के बाद यहां पर नीचे आ जाना ऐसे, और यहां पर लिख देना बड़े से ऐसे बोल्ड लेटर में, या क्या लिखोगे, योर क्वेरी, क्या लिखोगे, योर क्वेरी, यानी योर क्वेरी का मतलब होता है तुम्हारी क्या, मतलब क्या जानना चाहते हो, योर क्वेरी का मतलब तुम क्या जानना चाहते हो, योर क्वेरी लिखकर यहां पर जो यहां पर टैग क्या किए थे, कॉपी किए थे ना, यहां देखो डायरेक्ट कॉपी का ऑप्शन होता है टैग का, यहां पर नीचे आओगे, जब देखो यहां पर जब नीचे आओगे, देखो ये नीचे आओगे तो देखो टैग के सामने ये कॉपी का ऑप्शन बना, इस पर टच करोगे ना तो जितना टैग यहां पर लिखे रहोगे सारा का सारा कॉपी हो जाएगा। इसको आकर क्या करना है, योर क्वेरी के अंदर यहां पर लाकर सिंपली तुमको पेस्ट कर देना है, यहां पर पेस्ट करोगे ऐसे लिखकर आ जाएगा, तो देखो सब टैग के बीच में कॉमा कॉमा दिख रहा होगा, तो क्या करना है तुमको, ये कॉमा हटाकर नीचे कर देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वही टैग को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, कॉमा लगा है तो लगने दो, ऐसे नहीं करना, अगर ऐसे करोगे तो यूट्यूब के सस्पिशियस एक्टिविटी में आ जाता है, मिसलीडिंग मेटा डेटा में आ जाता है, इसलिए आपको कॉमा बीच में हटा देना और ऊपर योर क्वेरी जरूर लिखना है, जिससे यूट्यूब के एल्गोरिदम को लगे कि आप लोगों को समझाने के लिए यह चीज योर क्वेरी में लिखे हो, समझ में आया। इसके बाद इसको ये जो तीसरा वाला कॉमा लिखा है इसको भी हटा देना और इसके बाद ऐसे नीचे कर देना, जितने टैग्स होंगे ऐसे लाइन बाय ऐसे पूरा योर क्वेरी में लिख देना, ठीक। और हैशटैग लगाते होगे, हैशटैग जो मन में आता होगा लगा देते होगे, ऐसे ही करते होगे, तो ऐसे हैशटैग नहीं लगाना, हैशटैग के लिए क्या करना है, जिसके ऊपर तुम्हारा वीडियो है सबसे पहला वो हैशटैग होना चाहिए। किसके ऊपर वीडियो है, जैसे आलू गोभी की सब्जी के ऊपर है तो आलू गोभी यहां पर तुम्हारा पहला हैशटैग होगा, ठीक है। जैसे मेरा अगर मान चलो ये वाला मैं वीडियो बना रहा हूं कि मेरा क्या कहते हैं वीडियो अपलोड करने का सही तरीका, तो मेरा टाइटल क्या, मेरा क्या होगा हैशटैग, हाउ टू अपलोड वीडियो, हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, या फिर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका, ये मैं हैशटैग में लंबा सा डाल दूंगा, समझ में आया। हाँ। वो हैशटैग में दूसरा हैशटैग क्या लिखना है, अपने चैनल का नाम, जैसे मान चलो मेरे चैनल का नाम है टिकटॉक, क्या नाम है, टिकटॉक विद संजीव, हाँ टिकटॉक विद संजीव, तो यही चैनल का नाम डाल देंगे। इसके बाद और आलू गोभी से रिलेटेड क्या है, हिंदी में लिख सकते हो आलू गोभी कैसे बनाए, इसको लिख सकते हो आलू गोभी कैसे बनाए, कैसे बनाए, ये पूरा ऐसे जो भी हैशटैग लिखना बीच में गैप नहीं होना चाहिए, एक साथ पूरा लिखना, ठीक है। हाँ अब हिंदी में लिख दिया, अब इंग्लिश में लिखोगे क्योंकि लोग इंग्लिश में भी सर्च करते हैं, यहां पर हाउ टू मेक पोटैटो, नहीं पोटैटो नहीं यार, आलू गोभी लोग सर्च करते हैं ना, आलू गोभी, ठीक है, आलू गोभी, पोटैटो वोटैटो नहीं सर्च करते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे हाउ टू मेक आलू गोभी, ठीक है। ऐसे करके लिख देना, पांच चार पांच हैशटैग लिख देना। अब हैशटैग लोग सोचते हैं कि हैशटैग से कैसे व्यूज आएगा, तो भाई साहब लोग जानते हो क्या करते हैं, यहां पर जैसे जाओगे, जैसे मैं यूट्यूब पर आ चुका हूं, यहां पर मैं यूट्यूब पर आ चुका, और जैसे मैं सिंपली सिर्फ लिख दूं यहां पर हैशटैग आलू, यहां पर मैंने लिखा आलू गोभी, जैसे मैंने यहां पर लिखा हैशटैग आलू गोभी, देखना क्या होता है, हैशटैग आलू गोभी लिखा है, देख लो कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हैशटैग आलू गोभी लिखते ही देखो वीडियो यहां पर आलू गोभी का पूरा आ गया, तो लोग हैशटैग आलू गोभी से सर्च कर देते हैं, और आपको क्या करना है, अपना वीडियो सर्च भेजकर व्यूज लाना है, तो इसलिए हैशटैग भी जरूरी होता है, समझ में आया। हाँ, ये चीज आज तक पता थी, नहीं पता थी, नहीं पता थी, आपको भी नहीं पता होगी, पता थी या नहीं पता थी कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा, समझ में आ चुका है ये चीज, अच्छे से ना। तो ये चीज यहां पर समझ में आ चुका है, यहां पर मैंने तुमको यहां पर टैग लगाना बता दिया है, टैग यहां पर लगाना बता दिया कि कैसे यहां पर टैग लगाओगे, देखो यहां पर कैसे टैग लगाओगे सब समझा दिया है, कोई कंफ्यूजन है टैग को लेकर, आप जैसे बड़े, एक मिनट अब बताओ, आप जैसे बड़े यूट्यूबर है आप आसानी से टैग को ढूंढ सकते हैं, जैसे हम नए यूट्यूबर क्रिएटर यूट्यूब पर टैग को कैसे पता करें, कैसे टैग को ढूंढे, मतलब इनके कहने का मतलब है, बहुत सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, अगर नए, जैसे मैंने गया YouTube पर, मैंने सर्च किया आलू गोभी की सब्जी कैसे बनाते हैं, मैंने लिखा वहां पर रिकमेंडेशन में बहुत सारे आ चुके टैग, तो इनका पूछने का ये तरीका है कि नए यूट्यूबर को पता ही नहीं होता है कि क्या लिखकर सर्च करें, अब सही से लिखकर जब सर्च नहीं करेगा तो रिकमेंडेशन में सही कीवर्ड्स नहीं आएंगे, तो क्या चाहते हो, बना बनाया टैग आ जाए, ये चाहते हो, हाँ बना बनाया टैग आ जाए, मतलब बना बनाया टैग मिल जाए, बस उसको डालना रहे, बहुत ज्यादा तामझाम ना रहे, ये चाहते हो, हाँ आप लोग भी ये चाहते हैं,
100% ये चाहते होंगे। तो चलो मैं ये भी बता देता हूं कि अगर बना बनाया टैग चाहते हो तो वो कहां से लोगे, जिसको आराम से अपने टैग में डाल देना, अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देना और आराम से वीडियो आपका वायरल। तो बना बनाया टैग कहां से लोगे, चलो समझ लो। अब देखो बना बनाया हैशटैग के लिए क्या करना होगा, सिंपली चले जाना यूट्यूब पर, आप लोग भी सीखिएगा इनके साथ साथ, ठीक है। तो यहां पर यूट्यूब पर सिंपली चले जाना, जाने के बाद यहां पर यूट्यूब पर जाना, टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड लिखा है ना, इसको सर्च कर यहां पर टच कर लेना। अब ये इनकॉग्निटो मोड में आ गया है, इसको करने के बाद ये जरूर करना, यहां पर जाना, एक बार फिर बता देता हूं, टर्न ऑफ करता हूं। अब देखो फिर से समझो, यहां जो आपको आइकॉन दिख रहा है प्रोफाइल का, इस पर जाना, टर्न ऑन इनकॉग्निटो लिखा है ना, इस पर टच कर लेना। ये टच करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर सिंपली सर्च पर जाना, जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो हो, मान के चलो तुम्हारे टॉपिक का वीडियो है आलू गोभी की सब्जी कैसे बनाते हैं, ठीक है, जिस टॉपिक का वीडियो हो, चाहे जो टॉपिक का, आलू गोभी सब्जी कैसे बनाते हैं ब्लॉग का हो आपका, चाहे कुकिंग का हो, चाहे फैक्ट का हो, अमेजिंग फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स, मतलब जो भी आपके टाइटल का वीडियो हो, जिस भी टॉपिक का वीडियो हो, यहां पर सर्च कर लेना। जैसे यहां पर लिखोगे आलू गोभी की सब्जी, सिंपली इतना लिखकर सर्च किए, सिर्फ इतना लिखकर सर्च करना है। यहां पर ऐसे नीचे आ जाना, पहले नंबर पर एक वीडियो दिख रहा है जिस पर 3 साल में 8.2 मिलियन व्यूज हैं, दूसरे नंबर पर दिख रहा है 5 साल में 10 मिलियन व्यूज हैं, तीसरे नंबर पर दिख रहा है 7 महीने में 5,91,000 व्यूज हैं, 5,91,000 हैं, ठीक है। तो जो 2 साल 3 साल 4 साल पुरानी वीडियो है उसको नहीं टच करना है, जैसे 3 साल पुरानी वीडियो है नहीं टच करना है, दूसरे पर 5 साल पुरानी वीडियो है नहीं टच करना है, लेकिन तीसरे पर 7 महीने पहले पुरानी वीडियो है 5,91,000 व्यूज आ गए हैं, यानी 1 साल के अंदर की वीडियो है, तो क्या करोगे, इस वीडियो के यहां 3 डॉट पर जाना, शेयर करके लिखा गया है ना, तो शेयर पर जाना और यहां पर कॉपी लिंक लिखा गया है, कॉपी लिंक कर लेना, ठीक है, कॉपी लिंक कर लेना। कॉपी लिंक करने के बाद यहां पर चले जाना अपने क्रोम पर, क्रोम पर जाने के बाद एक न्यू टैब ओपन कर लेना, ठीक है, न्यू टैब ओपन करने के बाद जो कॉपी किए थे लिंक, इसको पेस्ट कर यहां पर खोल देना, इसको ओपन कर देना वीडियो को, ठीक है। यहां पर ओपन हो गया ये वीडियो, देखो यहां पर ये वीडियो ओपन हो चुका है, देखो ये वीडियो यहां पर ओपन हो गया है, आलू गोभी की, देखो ये वीडियो बंद कर लेना, ठीक, ये वीडियो बंद कर लेना। इसके बाद जो इसने टाइटल लिखा हुआ है, सिंपली ऐसे जाकर पूरा का पूरा टाइटल कॉपी कर लेना, समझ में आया, हाँ। ये टाइटल कॉपी करके अपने वीडियो के टाइटल में पेस्ट कर देना, फिर इसके बाद इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ ना, यहां डिस्क्रिप्शन में जो इसने लिखा हुआ है, अब इसका ये वीडियो मत कॉपी करना, डिस्क्रिप्शन में इसका टाइटल और जो इसने हैशटैग लगाया था, इसको कॉपी करके कहां डाल दोगे, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये अब इसका टैग यहां से दिख नहीं रहा है, इसका जाकर टैग निकालना है, तो शेयर करके इसके वीडियो का कॉपी कर लेना लिंक, लिंक कॉपी किए ही हो, और एक पता होगा तुमको यहां पर आएगा आता है टैग्स फॉर वीडियोस करके, ये जो मैं यहां पर ओपन कर रहा हूं, टैग्स फॉर वीडियोस करके एक ऐप आता है, यहां पर जाओगे गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे तो यहां पर सर्च मारोगे, देखो मैं सर्च मार के दिखाता हूं, यहां पर सर्च मारोगे, क्या सर्च करोगे मैं बताता हूं, देखो यहां पर जाना, यहां पर लिखना टैग्स फॉर YouTube करके लिख दोगे ना, देखो ये टैग्स फॉर वीडियोस करके एक आ चुका है, देखो यही एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, और यहां पर ये कोई प्रमोशन नहीं चल रहा है, काम की चीजें बता रहा हूं, ये कोई पैसा देकर मुझे कोई प्रमोशन नहीं चल रहा है, आपके काम के लिए बता रहा हूं, यहां टैग्स फॉर वीडियो में डालकर ओपन कर लेना, और ओपन करने के बाद जो मैंने कॉपी किया था वीडियो का लिंक पेस्ट कर दोगे, तो जो उसने टैग डाला है पूरा का पूरा टैग आ जाएगा, उस टैग को वहां से कॉपी कर लेना, और कॉपी करने के बाद कहां डालना है, जहां पर अपने वीडियो का टैग डाले थे वहां पर डाल लेना है, वीडियो का टैग कहां पर डाले थे, यहां पर वीडियो का टैग डाले थे ना, ये वीडियो का टैग, यहीं पर पूरा वीडियो का टैग डाल लेना, और उस टैग को यहां से कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद अपने डिस्क्रिप्शन में जो मैंने बोला था योर क्वेरी करके लिख देना है, यहां पर वैसे ही लिख देना, समझ में आ गया, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन बना बनाया हुआ उठाने का, पहले मैंने सही तरीका बताया और यह भी सही तरीका है, अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं आता है कि कैसे मुझे सही तरीके से कैसे टाइटल टैग डालूं, नए यूट्यूबर हो तो यह सब कंफ्यूजन आता ही है, हाँ, तो उसके लिए भी समझ गए ना कैसे बना बनाया उठाना है टाइटल टैग, हाँ समझ गए, पूरा वीडियो पूरा इसने समझ लिया, आई होप आप भी समझ चुके होंगे, और कैसा लगा है वीडियो, वीडियो बहुत अच्छा लगा है सर, सब समझ में आ गया, हाँ सब पूरा टोटल, ये जानने के बाद कैसा लग रहा है तुमको, बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरा वीडियो भी अब वायरल होगा, इस तरीके से अपलोड करूंगा तो वीडियो को, ऐसे लग रहा है तुमको, हाँ। तो इनको लग रहा है कि मैं बहुत सही तरीका सीख चुका हूं, जो कि मैंने आपको भी सिखाया, साथ साथ इनको भी सिखाया, और इनको अब लग रहा है कि मेरा वीडियो वायरल जाएगा, और आपका भी 100% जाएगा, इसकी भी गारंटी मैं देता हूं, बस जो सही तरीका बताया वैसे ही अपलोड करोगे 100% वायरल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके एक लोग बताइएगा, और दिल से पसंद आया है तो बिना बोले लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन होता है, और शुरू में जैसे मैंने प्रमोशन किया, अगर आप भी प्रमोशन कराना चाहते हो उसके लिए क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है,
चैनल से जुड़ना है उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबा लेना है, और जो डेली वीडियो है वीडियो को लास्ट तक देखना है, लाइक करना है और प्यारा सा कमेंट करना है। नेक्स्ट प्रमोशन मैं आपका कर दूंगा। मेरा वीडियो डेली देखते हो या नहीं? डेली देखते हैं। सीखने को मिलता है? हाँ, सीखने को। अगर आपको भी सीखना है तो वीडियो डेली देखो, नया नया हमेशा सीखोगे। तो चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।